اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل الذين وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثم پھر لا یتبعون اس کے پیچھے نہیں لگاتے اتباع سے ہے پیروی کسی چیز کے پیچھے کوئی اور چیز لگانا کس کے پیچھے ما انفقو جو انہوں نے خرچ کیا کیا نہیں لگاتے پیچھے منن احسان اور ولا اور نہ اذن تکلیف جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد پھر اپنے اس خرچ کرنے کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے جس کو دیا ہے اس کو گاہے بگاہے ٹانٹ نہیں کرتے اس کو تکلیف نہیں دیتے ان کے لیے کیا ہے لہم ان کے لیے ہے اجرہم ان کا بدلہ ان کا انعام عند ربہم ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم اور روز قیامت ان پر نہ تو کوئی ڈر ہوگا ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. قول معروف اچھی بات و مغفرت اور معاف کر دینا خیر بہتر ہے من صدقات ایسے صدقہ سے یتبعہا اذن جس کے بعد تکلیف دی جائے ایسا صدقہ جو کسی پر آپ احسان کریں
और फिर उसको चौराहों में चौकों में खड़े होके बदनाम करें, जगह जगह पे महफिलों में बैठ के उसका सर नीचा करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसा सदका देने से बेहतर है कि आप उसके साथ कोई अच्छी बात कर लो, उसकी वैसे दिलजोई कर लो, उसने आपके साथ कोई कमी पेशी की है तो उसको माफ़ कर दो। ये रवैया ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप उसकी मदद करो, और मदद करने के बाद फिर उसको जगह जगह पे जलील करो। वल्लाहु गनीयुन हलीम, और अल्लाह ताला गनी है, बेपरवाह है, ऐसे सदका करने वालों से अल्लाह बेपरवाह है, हलीमुन बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुबतिलू, ना जाय करो, सदकातकुम, अपने सदकात को, बिल मन्न, एहसान जतलाकर, वल अज़ा, और तकलीफ देकर। किसी को मुसीबत में हाथ बटा दिया, फिर जहाँ पे मौका देखा कि ये लोगों के सामने परेशान हो सकता है तो वहां पे बैठ के, हाँ जी फिर अब मामला ठीक है, अब पक रही है, जहाँ पे देखा कि ये अब थोड़ा सा लोगों के सामने इसका वकार है, इसकी इज्जत है, वहां पे उसको उस सदके का, उस एहसान का हवाला दे के जिच करने की कोशिश की, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस तरह का काम करोगे, अज़ियत दोगे, तो फिर तुम्हारा सदका जो है वो ज़ाया होगा, क्योंकि तुमने अल्लाह की रजा के लिए तो सदका दिया नहीं है, अपने नंबर बनाने के लिए सदका दिया, बल्कि ना सिर्फ ज़ाया हो गया, इसका तो उल्टा आपको नुकसान हो जाएगा। कल्लजी, उस शख्स की तरह है, ऐसा शख्स जो सदका दे के अपना सदका एहसान और अज़ियत की वजह से ज़ाया कर ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं उसकी मिसाल ऐसे है, उस शख्स की तरह है, युन्फिकु मालहू, जो अपना माल खर्च करता है, रिया अन्नास, लोगों को दिखाने के लिए, वला युमिन बिल्लाह, और वो अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखरत के दिन पर ईमान नहीं रखता। आप अंदाजा करें कि अल्लाह ताला ने इस रियाकारी को किस बात के साथ जोड़ा है कि उसका ईमान काबिले कबूल ही नहीं है। जिसका अल्लाह पर ईमान होगा वो खर्च किस लिए करेगा? अल्लाह की जात के लिए। और जो खर्च करके जगह जगह पे अपने इश्तिहार लगाए, जी अल्लाह ने देता है, फलां को इतने दे दिए, फलां को इतने दे दिए, और पता नहीं दिए भी होते हैं कि नहीं, 500 दे के 50,000 का इश्तिहार लगा दे, उसका कोई फायदा है? अल्लाह ताला कहते हैं उसका अल्लाह पर ईमान ही नहीं है। क्यों? अल्लाह पर ईमान होता तो फिर वो इश्तिहार ना लगाता, फिर वो जगह जगह पे चौकों चौराहों में लोगों की महफिलों में बैठ के अपने सदके की तशहीर ना करता। उसका मकसद तो सिर्फ इसलिए है कि उसे गनी कहा जाए। क़यामत वाले दिन अल्लाह के यहाँ 3 लोग पेश किए जाएंगे ना, उनमें एक गनी होगा, जो सखी होगा, सॉरी, जो बड़ी सखावत करता होगा, अल्लाह के सामने अर्ज करेगा कि या अल्लाह मैंने बड़ा माल खर्च किया। अल्लाह ने फरमाया नहीं, बिल्कुल तुमने नहीं किया। अल्लाह ताला कहेगा कि तुमने मेरे लिए नहीं किया, तुमने इसलिए किया था कि तुम्हें सही कहा जाए, और कहा गया, जो काम तुम्हें चाहिए था वो हो गया, अब अजर किस चीज का? अल्लाह ने उसके ईमान पे सवालिया निशान लगा दिया। फमसलहू, बस उसकी मिसाल ऐसी है जैसे सफवान, जैसे एक चिकना पत्थर जिसके ऊपर कोई चीज टिकती ना हो, अलैही, उसके ऊपर हो, तुराबुन, मट्टी या गर्द, असल इससे मुराद गर्द है, थोड़ी बहुत उड़ती हुई गर्द उसके ऊपर पड़ जाए। फअसाबहु वाबिलुन, बस उस पर बारिश बरसे, फतरकहु सलदा, बस उसको सलदा साफ छोड़ दे, जो ऊपर थोड़ी बहुत गर्द टिकी थी पानी बरसने की वजह से वो साफ हो गई। सवाल ये है कि वो जो मट्टी उस चिकने पत्थर के ऊपर थोड़ी बहुत गर्द पड़ी थी, वो कारामद है, उसमें कोई फसल बोई जा सकती है? उसमें कुछ उग सकता है? उसमें अगर कुछ मट्टी पड़ भी जाए और उसमें दाना डाल भी दिया जाए, बारिश बरसेगी और सारा कुछ बहा के ले जाएगी, उसके पांव वहां पे जमेंगे उस दाने के? नहीं। ऐसी ही मिसाल है उस शख्स की जो सदका दे और फिर अजियत और एहसान के साथ तकलीफें दे। अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे सदके की भी इतनी पांव मजबूत है जितने उस मट्टी के ऊपर पड़ने वाले दाने के पांव मजबूत होंगे, उतने ही पांव उस सदके के मजबूत हैं। जैसे उसका कोई मुकाम नहीं है, वो आरजी है, इसी तरह इसका सदका भी आरजी है। ला यकदिरून अला शयइन मिम्मा कसबू, वो नहीं तात रखते अला शयइन किसी चीज पर, मिम्मा कसबू, उसमें से जो उन्होंने
कमाई की, उनके हाथ में अपनी उस कमाई में से वो जो उन्होंने सदका करके सवाब कमाने की कोशिश की उसमें से उनके हाथ कुछ नहीं लगा, सब कुछ उनके हाथ से निकल गया। किस वजह से? रिया ना से, दिखलावे की वजह से। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, ला यहदी, नहीं हदायत देता, अल-कौमिल काफिरून, ना फरमानों की कौम। अब देखें इन तीनों आयात में किनका जिक्र हो रहा है? सदका देकर जितलाने वाले का। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए लफ्ज क्या बोला है? काफिरून। ये इतनी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप किसी के ऊपर एहसान करें और फिर जगह जगह पे उसको जलील करें तो अल्लाह ताला ने आपके ईमान के ऊपर कांटा लगा दिया। अल्लाह ने काफर कह के पुकारा है। अल्लाह ताला समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए।